सुरसंड सीतामढ़ी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीतामढ़ी के सुरसंड विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार का मुद्दा गरमाने लगा है। लोगों का मानना है कि सुरसंड विधानसभा में अब तक जिन विधायकों ने राज किया है वे सभी विधानसभा के बाहर के थे, जिसकी वजह से क्षेत्र का उचित विकास नहीं हो पाया। इस बीच सुरसंड प्रखंड मुख्यालय के मुखिया पप्पू चौधरी ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। पप्पू चौधरी पिछली विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे। उन्होंने मजबूत दावेदारी पेश करते हुए सम्मानजनक वोट भी हासिल किया था। उनके चुनाव लड़ने की वजह से मंत्री पद पर रहे शाहिद अली खां को मुंह की खानी पड़ी थी और जीत का सेहरा राजद उम्मीदवार सैयद अबूदो जाना के सिर पर सजा था। इस बार पप्पू चौधरी का साफ कहना है कि महागठबंधन और एनडीए अगर सुरसंड विधानसभा से स्थानीय उम्मीदवार को टिकट देती है तब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। स्थानीय एक मुद्दा है हमारे यहाँ जिससे लोगों को झुकाव हमारे तरफ हुआ था। लगभग हमारा क्षेत्र 25 वर्षों से गुलाम, जिसके चलते हमारा क्षेत्र के आमो आवाम, कोई भी जाति के लोग हो, कोई भी धर्म के लोग, सब लोग त्रसित। इसी बातों को मैं 2020 में भी लेके चल रहा हूँ। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि सुरसन में पप्पू चौधरी विधायक, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ का हमारे यहाँ के आरजेडी गठबंधन के लोग को टिकट नहीं मिले, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि नहीं बीजेपी गठबंधन यहाँ के लोगों को टिकट नहीं दे। मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले। समाज के हर वर्ग हम लोग से प्रसन्न है, हमारी कर्म से प्रसन्न है, हमारे कामों से प्रसन्न है, युवाओं में उत्साह है, इसलिए युवा जो पीढ़ी है वो चाह रहे हैं कि पप्पू जी हमारे बीच आवे और निर्दलीय प्रत्याशी हो या टिकट लेकर के आवे, चुनाव लड़े। लेकिन अगर दोनों दल बाहरी उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारती है तो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। विष्णु तिवारी, SDF न्यूज, सीतामढ़ी।